फिर से फॉग्स पूरा छा गया यार। यहाँ पे कुछ है, गोरखा वॉर म्यूजियम ट्रस्ट। वाओ, ये रहा मोनेस्ट्री। सीरियसली एक इंसान भी नहीं है, मैं अकेला टूरिस्ट हूँ यहाँ पे। सो दिस इज बताशिया लूप, आई लव दार्जिलिंग। नीचे से भी टॉय ट्रेन का रास्ता जा रहा है और एक वो ऊपर से ब्रिज है। चलो बहुत हो गया, अब चलता हूँ मोनेस्ट्री। दो तीन मोनेस्ट्री है, चलो वहीं चलता हूँ सीधा। रास्ते में कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखेगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा क्योंकि मैं फोन को चार्ज में छोड़ रहा हूँ। ये है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो वेलकम कर रहा है आप सभी को। आओ यार, मैं चाहता हूँ आपको ना अपना एक एक मोमेंट में कैप्चर करके दिखाऊं, बट वो ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, चार्ज ही नहीं है अभी। 18-19% है, वो भी पावर बैंक लगा के हूँ इसलिए। बट देखो क्या होता है, आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे हो। ओ भाई साहब, फिर से फॉग्स पूरा छा गया यार। देखो फिर से पूरा फॉग छा रहा है, धीरे धीरे शाम हो रहा है ना। घूम मोनेस्ट्री बताशिया लूप से 800-900 meters दूर है, मैंने भी मैप में देखा, तो अभी जा रहा हूँ घूम मोनेस्ट्री। पैदल ही ऑब्वियसली 900 meters है, फिर आपको वहां पे दिखाता हूँ। एक वीडियो तो बनता है इस जगह पे यार, सीरियसली क्या इफेक्ट आ रहा है। हाँ, कितना मस्त व्यू मिल रहा है यार यहाँ से। सीरियसली मुझे फॉगी फॉगी इफेक्ट, और पीछे ग्रीन ग्रीन बैकग्राउंड है ना, माय गॉड। वैसे बाय द वे, वोरा घूम मोनेस्ट्री सामने में है, वही है, वहां तक जाना है। चलो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब दार्जिलिंग वॉक करके जब आप घूमिएगा ना, आपको लगेगा कि हर व्यू पॉइंट पर रुक के फोटोज और वीडियोज लें। अब नहीं रुकना कहीं, फोकस आके फोकस, सीधा मोनेस्ट्री चलो, वरना टाइम खत्म हो जाएगा। ये चीज पर्सनली मुझे अट्रैक्टिव लगता है, स्पेशली पहाड़ वाला एरिया में, जैसे झंडा लगा रहता है ना कलरफुल, बहुत मस्त इफेक्ट देता है। एक और व्यू पॉइंट भाई, एकदम टर्निंग पे है इसलिए मैं एकदम साइड में खड़ा हूँ। चलो यार, ऐसा सब व्यू पॉइंट तो आता रहेगा, सच सच बताना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मजा आए तो बिना लाइक के इस वीडियो को जाना मत, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना। ऑनेस्टली एक बार बताऊं तो अभी ठंड बढ़ रहा है धीरे धीरे। मोनेस्ट्री मुझे सामने में दिख रहा है, लेकिन सामने में दिख रहा है मतलब नहीं कि वो सामने, अभी भी वो 300-400 meters दूर पे। वाओ, फॉगी इफेक्ट मोनेस्ट्री को और भी एकदम हेवी फील दे रहा है यार। सीरियसली देखो क्या मस्त लग रहा है यार, मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ, ये ऐसा दार्जिलिंग आपको और कोई व्लॉगर नहीं दिखाया होगा अब तक। सब आपको टूरिस्टी प्लेसेस दिखाएगा थोड़ा थोड़ा, ऐसे समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो ऐसा आपको कोई अब तक नहीं दिखाया, जहाँ तक मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखा है ऐसा नहीं मिला। तो यार इतना एफर्ट के लिए भाई को सपोर्ट करो। वाओ, यहाँ पे कुछ है, गोरखा वॉर म्यूजियम ट्रस्ट, एस्टैब्लिश 1991। चलो देखता हूँ क्या है। भाई तो पीछे से आप देख सकते हैं वहाँ पे टॉय ट्रेन का ट्रैक मेरे साथ साथ चल रहा है। गाड़ी तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। चलो क्या है ये, गोरखा वॉर म्यूजियम ट्रस्ट। ओ अच्छा, कुछ ऑफिस लग रहा है, पीछे का व्यू तो काफी अच्छा लग रहा है। जस्ट घूम मोनेस्ट्री के पास जो इंडियन ऑयल है वहां पे है ये गोरखा वॉर म्यूजियम ट्रस्ट। ये पूरा इन डेप्थ दार्जिलिंग व्लॉग जो आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक साकिब के चैनल पे, इंडियन ऑयल। गाड़ी आना जाना कर रहा है, वॉक करते वक्त ये ध्यान रखना कि जिस साइड आप वॉक कर रहे हैं उस साइड से सामने से गाड़ी आना चाहिए, पीछे से नहीं। फिलहाल धूप निकल चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं एक सेफ जगह पे वॉक कर रहा हूँ जो कि है, जी हाँ, टॉय ट्रेन का ट्रैक। यहाँ पे गाड़ी आ नहीं सकता है इसलिए इसी के ऊपर चढ़ रहा हूँ। ओ भाई साहब, कितना कोना में खड़ा है वो। भाई साहब यहाँ के लोग भी परेशान है मुझसे, बोले ये लड़का पागल हो गया, वॉक करते करते जा रहा है। बहुत कम ही इंसान वॉक करते हुए जाता है, एंड आई एम वन ऑफ देम एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। ये कैसे देखिए रेलवे ट्रैक कट रहा है वहां पे। मैं सोच रहा हूँ एक न्यू चीज ट्राई करूँ जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया, लेट्स सी। सोच रहा हूँ हिच हैक करके जाऊँ वापस रिटर्न, क्या कैसा आइडिया है पता नहीं,
चांसेस तो कम ही लग रहा है, बट देखते हैं, ट्राई तो करूंगा जरूर। भाई यहाँ पे कुछ मोनेस्ट्री और है, दुंगोंग समतेन चोलिन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जो कि बंद है। ये चोलिंग का बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बंद है शायद ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक, द मोनेस्ट्री विल रिमेन क्लोज टू ऑल विजिटर। ओ अच्छा, ये बंद है, तो चलो घूम मोनेस्ट्री चलता हूँ। यहाँ रास्ते में ईजा हंगमा प्रेयर हॉल कुछ आया है और यहाँ पे एक मंदिर भी है। अभी मैं पल्स खा रहा हूँ। एक्चुअली एक चीज समझ में आ गया, दार्जिलिंग में अगर आप 900 मीटर देख रहे हैं मैप में और वो अप हिल पे है तो उसको 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना है, होता ही है। अगर आप डाउन हिल पे तो वो कम हो जाएगा, यही है। हम कुत्ता लोग झगड़ा कर रहे हैं। स्ट्रीट डॉग्स बहुत है यार दार्जिलिंग में, सीरियसली देखा है मैंने। यहाँ आप देख सकते हैं घूम बॉयज हाई स्कूल है, ये रहा घूम मोनेस्ट्री जाने का रास्ता, यहाँ पे है। अच्छा वो पूछ लिया मैंने, वरना मैं सीधा चला जाता। तो फाइनली आ गया घूम मोनेस्ट्री, जाके देखता हूँ क्या है। ये रास्ता पूरा कीचड़ कीचड़ हो रहा है यार। एक चीज तो, अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो हर 15-20 कदम में कन्फर्म जरूर कर लें कि वो रास्ता सही है या नहीं। इससे क्या होता है, सेफ्टी रहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। घूम मोनेस्ट्री घूम, मोनेस्ट्री मोनेस्ट्री सीधा सीधा, थैंक यू। ये कुत्ता मुझे इतना ध्यान से क्यों देख रहा है भाई। एक चीज मैंने सीखा व्लॉगिंग करते करते, अगर आपको कोई मुंह देख रहा है तो उसे रास्ता पूछने लग जाओ, वो अपने आप जो है मुंह देखना बंद कर देगा। ठीक है, ठंड बढ़ गई है भाई, मुंह से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। सुबह से ऐसा नहीं हो रहा था, अभी कुछ देर पहले से हो रहा है। कपड़ा मत देखो, उसके पीछे का व्यू देखो, पूरा फॉग ने घेर चुका है। कल जैसा सिचुएशन हो रहा है तो अभी ठंडा इसलिए बढ़ रहा है, इसलिए अब मेरा हालत खराब होना शुरू हो जाएगा कल जैसा। जल्दी जल्दी घूम मोनेस्ट्री देख लूं तो फिर जाऊंगा, कहां पता नहीं, बाद में बताता हूं। यहां पर पहले घूम लूं उसके बाद। ठंडे जगह की यही एक ये होती है, जो आंख मचोली खेलता है ना, कभी छांव कभी धूप कभी फॉग कभी अनफॉग। ये क्या है, डेंजिंग हाउस। और कितना दूर है यार, हम उल्टा डायरेक्शन में चल रहे, लग रहा आ जाएगा। पता नहीं क्या है, शायद यही है, पता नहीं, पूछना होगा किसी से। घूम मोनेस्ट्री सीधा, पता नहीं यार कितना दूर है, और तब से चला जा रहा हूँ खट 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 खट। ये आई थिंक आ गया है, क्या लिखा है, ये का चोलिंग ओल्ड मोनेस्ट्री घूम। इधर जाना है, लेफ्ट राइट या लेफ्ट मोनेस्ट्री, राइट और लेफ्ट, राइट, थैंक यू। तो एक लोकल से पूछ लिया, राइट जाना था, मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ। वाकई मैं मान गया, इस ट्रिप में मैं जो वॉक किया हूँ ना, सीरियसली मेरा अब तक का सबसे एक्सट्रीम वॉकिंग डेस्टिनेशन हो गया दार्जिलिंग। पुरी में भी बहुत वॉक किया था, लेकिन वो उसमें कुछ हाइट का इशू नहीं होता है ना, एक स्ट्रेट रहता है, बट ये तो वाकई में फाइनली आई एम हियर इन द मोनेस्ट्री। पूरा फॉग मेरी तरफ बढ़ता जा रहा है, पता नहीं कैमरा पे दिख रहा है कि नहीं। पूरा जो फॉग जो उठता है ना पहाड़ के ऊपर, बहुत मस्त लगता है देखने में पर्सनली मुझे, बट यही बात है पूरा व्यू को छेक देता है। अब किधर जाना है बॉस, इधर भी दो रास्ते है, ओ सॉरी वो किसी का घर है शायद, इधर ही चलता हूँ, पूछ लूंगा कोई दिखेगा तो। ऐसा लग रहा रास्ता घूम चुका हूँ मैं, क्योंकि मोनेस्ट्री कहीं पे दिख नहीं रहा है, सिर्फ चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। मजा आ गया, एक मंदिर दिख गया लेकिन मोनेस्ट्री नहीं दिखा अभी तक। ये गणेश जी कोई दिख भी नहीं रहा रास्ता में, किसी से पूछ सके। फाइनली मोनेस्ट्री आ चुका हूँ, बट ऐसा ना हो कि बंद हो, सीरियसली यार फिर बहुत मतलब दुख होगा, इतना मेहनत से चल के आया, मस्त लुक दे रहा है ये फॉग वाला। आई होप खुला हो, गेट क्यों बंद है यार, नहीं साइड से रास्ता है, वहां से चला जाऊंगा। ये गाड़ी वाला रास्ता बंद तो है बट ये साइड से रास्ता है, इतना दूर आया हो तो अंदर तो जाके रहूंगा। वाओ वाओ क्या मस्त लग रहा है यार फॉग के साथ, वाओ। बहुत ही स्ट्रगल करके पहुंचा था, इसलिए गूगल मैप धोखा देता है, 900 मीटर दिखाया था मैं तो आराम से भी 3 किलोमीटर चल चुका हूँ, सच बता रहा हूँ। एंड इट इज दी मोनेस्ट्री घूम मोनेस्ट्री, चलो जाके देखता हूँ।
प्रेयर हॉल में प्रेयर चल रहा है। ये रहा मोनेस्ट्री, वहां पे प्रेयर हॉल है, प्रेयर चल रहा है। सुनिए ध्यान से, वहां पे प्रेयर चल रहा है, पता नहीं कोई रहता होगा। और ये रहा घूम मोनेस्ट्री, काफी बड़ा कैंपस है। अंदर दो रास्ता और जा रहा है, जाके देखता हूँ क्या है। कोई भी नहीं, इकलौता मैं हूँ टूरिस्ट यहाँ पे, कोई भी मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे। इनफैक्ट बस कुछ मॉन्क्स जो अंदर प्रेयर कर रहे हैं वो है, और भी कोई हमको दिख नहीं रहा है। जाके देखता हूँ अंदर। ये वाला मुझे करना था यार, सीरियसली। ये देखो मस्त लगता है। ये मोनेस्ट्री बंद है, अंदर जाना भी मना है, बट बाहर से आपको दिखा दे रहा हूँ। इंटीरियर देखो यार आप यहाँ का, काफी मस्त है सीरियसली। करना है क्या, करना है, चलो कर ही लेते हैं। हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, व्हाट, सॉरी। बच्चा चला गया। ए भाग रहा है, ए बाप रे बाप, धुआं में गुम हो गया फॉग में। नाइस। कितना प्यारा बच्चा था, क्यूट सा। क्या नाम बोला पता नहीं, वापस से रिकॉर्डिंग सुनेगा तो समझ में आ जाएगा मुझे। यहाँ पे कुछ है स्तूपा जैसा, वहां पे जो भी देखा ना स्तूपा जैसा ही लग रहा है। इन मेमोरी ऑफ वैन धर दो तुलको हेड लामा बिल्ट पाई धर साफ फैमिली। स्तूपा है कुछ जैसा, ऊपर भी पीस पोगाडा देखा था ना, उसी की तरह लग रहा है, बहुत छोटा सा वर्जन। ये मोनेस्ट्री के पीछे का हिस्सा है, पूरा पहाड़ में एकदम बना है। क्या मस्त लग रहा है यार। यार सीरियसली एक इंसान भी नहीं है, मैं अकेला टूरिस्ट हूँ यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, दिस होल प्लेस इज फॉर मी। अच्छा लगा यहाँ पर आके, सीरियसली बता रहा हूँ। बहुत स्ट्रगल किया आने के लिए, बट मज़ा आया। मेरा हाथ दर्द हो गया। वहाँ पे भी कुछ है शायद, वो मोनेस्ट्री में जो स्कूल चलता है ना, वो उसका वही है। यहाँ पे कुछ घर है शायद, जो मोनेस्ट्री में रहते हैं उन लोगों का। बात करने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ डाइनिंग हॉल जैसा लग रहा है, पूरा फॉग से घेर चुका है, मुझे फटाफट यहाँ से निकलना होगा। यहाँ नीचे क्या है यार, जाना चाहिए या नहीं, पता नहीं यार, नहीं जाना चाहिए, छोड़ो। ये मोनेस्ट्री के बाहर बैठने का भी जगह है कुछ, काफी मस्त लग रहा है। चलो भाई, ठंड बहुत बढ़ चुका है, पूरा फॉग एकदम घेर चुका है चारों तरफ से। भाई माँ कसम, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुका है, फटाफट जा रहा हूँ। टाइम क्या हो गया, टाइम 3 बज गए, ऑलमोस्ट 2:45 हो रहा है, 15 मिनट बचा 3 बजने में। अब पता नहीं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँगा। पहले फिलहाल वही मेन रोड से निकलता हूँ, जहाँ से आने मोनेस्ट्री आने का रास्ता कटता है, उसके बाद देखता हूँ कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। चलो अच्छा लगा यहाँ आके, आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। तो वहाँ पे एक भैया मिले, वो काफी हेल्प किया मेरा उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे आसपास और क्या घूम सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जितना भी मोनेस्ट्री यहाँ पे अभी है, सारा का सारा बंद है कोविड के वजह से, तो आप सिर्फ बाहर से ही देख पाएंगे। तो ये अच्छा चीज, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया, क्योंकि अब वहाँ जाके फायदा नहीं है, क्योंकि सारा का सारा बंद है, अच्छे से आपको दिखा नहीं पाऊंगा। शेयर्ड कैब या बस मिलेगा दार्जिलिंग वो जाने के लिए मार्केट, वहाँ चला जाऊंगा। ये लास्ट के कुछ मोमेंट इस घूम मोनेस्ट्री में। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ, एंड एज ऑलवेज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, कीप एक्सप्लोरिंग। अभी एक बहुत ही अजीब चीज हुआ मेरे साथ, और घूमते हैं हैप्पी वैली। चलो भाई साहब थोड़ा टी का बागान में भी घूम लो, देखिए कैसे काला बादल पूरा घेर लिया है। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया।